नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वी हमराई ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग में। और आज देख रहे हैं हम लोग, अभी इस समय रोड है और ये रोड है चेन्नई कलकत्ता हाईवे, जो कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये। और अगर आप इस साइड भी देखें तो ये देख सकते हैं ये हाईवे। हम लोग आज जाने वाले हैं विशाखापट्टनम घूमने, जो कि यहाँ से विशाखापट्टनम 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग आज वहीं पे जाने वाले हैं और हम लोग ट्रेन से जाएंगे। तो अभी हम लोग ऑटो का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक ऑटो आता है। तो उसी से हम लोग जाएंगे रेलवे स्टेशन और उसके बाद वहाँ से हम लोग ट्रेन के माध्यम से जाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, हम आपको इस वीडियो में पूरा विशाखापट्टनम घुमाएंगे और विशाखापट्टनम के बारे में बताएंगे कि विशाखापट्टनम टूरिस्ट प्लेस में क्या क्या है घूमने के लिए। तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पैदल, क्योंकि ऑटो अभी सुबह का टाइम है इसलिए नहीं मिल रहा है। और जैसा कि मैं बता दूं कि प्लेसेस के बारे में विशाखापट्टनम में, वहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस है घूमने के लिए। तो आपको हम एक एक प्लेसेस के नाम बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा बात जरूर कीजिएगा। आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ देखने को मौका मिलेगा, तो बने रहिएगा वीडियो पे। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग तूनी रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं ये तूनी रेलवे स्टेशन है। इधर आपको मैं दिखाऊं, मेरे पीछे ये पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, हालांकि इस समय कोहरा है इसकी वजह से यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और देख सकते हैं ये तूनी रेलवे स्टेशन है। तो हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, अभी ट्रेन आया नहीं है। तो जैसे ही आएगा हम लोग उससे जाएंगे विशाखापट्टनम और आपको दिखाएंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो हम लोग देख सकते हैं ट्रेन से यहाँ विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और हम लोग जाने वाले हैं बाहर। तो आप देख सकते हैं ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है, जो ट्रेन से हम लोग आए हैं वो ट्रेन खड़ी है, तो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं बाहर और देखते हैं हम लोग बस से जाते हैं कि ऑटो से। तो बने रहिएगा वीडियो में। विशाखापट्टनम बीच पे पहुंच चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे समुद्र, और बहुत ही मज़ा आ रहा है सच में बता दें आपको। तो और मेरे पीछे आपको ये सबमरीन म्यूजियम भी दिखाई दे रहा होगा, और उसके आगे और जाएंगे तो आपको आर्की बीच दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल हम लोग अभी इस समय आधा बीच पे हैं और यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं बता दूँ कि विशाखापट्टनम में बहुत सारे भी प्लेसेस हैं, जिसमें से पहला है आपका आरके बीच है, और उसके बाद आपका सबमरीन म्यूजियम, आई एयरक्राफ्ट म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, रामा नायडू फिल्म सिटी, कैलाशगिरी, बहुत सारे प्लेसेस हैं जो आपको यहाँ पे घूमने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत सारे प्लेसेस घूमने को मिलेगा। हालांकि मैंने इस पर वीडियो बनाया है बहुत पहले, तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को इसको देखना चाहते हैं तो मैं इसका वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं। उन सभी प्लेसेस पे मैंने वीडियो बनाया है और आप देख सकते हैं समुद्र, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें लहर उठ रही है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है सच में बता दें। तो आप लोग अगर यहाँ तक आना चाहते हैं तो मैं बता दूँ कि आप किसी भी स्टेट से, जो है विशाखापट्टनम की कनेक्टिविटी है, तो आप ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं, और चाहे तो आप
बस के माध्यम से भी आ सकते हैं, और चाहे तो आप एरोप्लेन के माध्यम से सभी सुविधाओं को यहाँ पे एयरपोर्ट से लेके बस सभी चीज़ें हैं यहाँ पे उपलब्ध। और विशाखापट्टनम से मैं बता दूं कि ये जो बीच है इसकी दूरी 5 किलोमीटर पे है, तो आप बड़े आसानी से चाहे टैक्सी चाहे आप ऑटो या बस से भी आ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो देख सकते हैं मेरे पीछे ये बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रही होगी, और ये मेन रोड दिखाई दे रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो को आप देखते रहिए। अभी हम एक दो शॉट आपको और दिखाएंगे वीडियो में, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।